लाइव टीवी एक्सप्रेस हिंदी न्यूज चैनल जो रखता है राज और समाज की हर खबर पर अपनी कड़ी नजर। देश विदेश की खबरों के साथ ही आपके समाज और आसपास हो रही घटनाओं से भी हम कराते हैं आपको रूबरू। तो आइए चलते हैं कुछ खबरों की ओर, जिसकी पड़ताल सिर्फ और सिर्फ लाइव टीवी एक्सप्रेस की टीम करती है। आज की कुछ खास खबरें आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का। कल होगा ब्राह्मण सम्मान समारोह, लगभग 1100 ब्राह्मणों का होना है सम्मान। शैलिजा मंडपम अजारा लालगंज प्रतापगढ़ में हो रही तैयारी। आइए जानते हैं आखिर क्या है ये कार्यक्रम और कौन कर रहा है इसका आयोजन। नमस्कार, मैं हूं मुकेश चौरसिया और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल उन चीज़ों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है जो कुछ अलग होती हैं। कुछ अलग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम हमेशा उन चीज़ों तक फोकस करते हैं जहां पर आपको कुछ नया मिले। आज आपके हमारे चैनल के माध्यम से आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है जो शायद इस क्षेत्र में नया हो। मैं प्रतापगढ़ जनपद के लालगंज अझारा में इस समय मौजूद हूं और अब आपको वो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूं जो कल एक अलग ऐतिहासिक चीज़ होने जा रही है। ऐतिहासिक इसलिए बोल रहा हूं कि सम्मान तो हर कोई करता है, लेकिन इतना भव्य तरीके से सम्मान कर पाना मेरे ख्याल से पहली बार हो रहा है जनपद में। आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ये शैलजा मंडपम है और शैलजा मंडपम में कल एक कार्यक्रम होने वाला है ब्राह्मण सम्मान समारोह और उनका चरण बंदन होगा, ब्राह्मण आरती होगी और उसके जो संयोजक है आज मेरे साथ में है। यहाँ पर तैयारियाँ कर रहे थे, मैं उस तैयारी के बीच में पहुँचा तो आज उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि क्या वो तैयारियाँ कर रहे हैं और ये ब्राह्मण सम्मान समारोह क्या है जो आज करने वाले हैं, कल करने वाले हैं, उसको लेकर आज आपसे बात करते हैं। जय कौशल जी, नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। आपका एक कार्यक्रम है ब्राह्मण सम्मान समारोह, काफ़ी चर्चित है इस समय क्षेत्र में, तो ये क्या चीज़ है इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अवगत कराएं। पहले तो आपने अधूरा कहा, ये है ब्राह्मण सम्मान समारोह चरण पूजन एवं ब्राह्मण आरती, ये इस कार्यक्रम का स्लोगन है और ये पूर्वजों का आशीर्वाद, पूर्वजों का मार्गदर्शन, हमारे मित्र राजा शुक्ला जी का मार्गदर्शन था और ऐसा कार्यक्रम अभी तक हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ था। देखिए, मैं वैश्य पुत्र हूँ और हमारे लिए ब्राह्मण पूजन सौभाग्य की बात है। अच्छी बात आपने कही कि ब्राह्मण पूजन सौभाग्य की बात है। आप प्रत्याशी भी हैं नगर पंचायत अध्यक्ष के, तो कहीं ऐसा तो नहीं है राजनीति की भावना से प्रेरित होकर ये कार्यक्रम आप कर रहे हो? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये साफ बता देता हूँ कि ये पूर्णतया गैर राजनीतिक कार्यक्रम और अभी मैंने नामांकन नहीं किया जी, इसलिए मैं प्रत्याशी आने वाले समय में बनूंगा और ये कार्यक्रम पूरी तरह गैर राजनीतिक है और इस कार्यक्रम को मैं अपना सौभाग्य मान रहा हूँ। हमारे बड़े भाई राजा शुक्ला का मार्गदर्शन था, हमारे माता पिता का आशीर्वाद था, पूर्वजों की प्रेरणा थी जो मुझे ये अवसर, ये समझिए कि मैं जैसे मेरे बाबा सेठ पारसनाथ कौशल ने इस लालगंज में जितने भी धार्मिक कार्यक्रम आज हो रहे हैं उनके जनक थे, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, जन्माष्टमी हो, मानस सम्मेलन रहा हो, ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों के जनक थे मेरे बाबा सेठ पारसनाथ कौशल और मैं उनका पौत्र, मुझे गर्व होता है कि मैं उनका पौत्र। ऐसी धार्मिक विचारधारा जो उनके मन में थी वो आज तक हमारे परिवार में चलती चली जा रही है। चलिए, तो आपका पूर्वजी रहा है, आपका पारिवारिक रहा है, तो अब मैं थोड़ा सा कार्यक्रम पर चर्चा कर लेता हूँ। इस कार्यक्रम में क्या क्या आप करने वाले हैं और किस तरीके को लोगों को आमंत्रित किया है, थोड़ा सा हमें जानकारी दें। देखिए, इस कार्यक्रम में मैंने अपने क्षेत्र, अपने समाज, अपने जनपद में सभी श्रेष्ठ विप्रजनों को मैंने पूर्ण आदर के साथ आमंत्रित किया है और इसके अलावा मैंने सोशल मीडिया के सहारे इस आमंत्रण को मैंने घर घर भेजा है। सोशल मीडिया के सहारे से ये मेरा कार्यक्रम का आमंत्रण लगभग सभी विप्रजनों के घर पहुंचा है और मेरा सभी से ये विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आवें। हमारा लक्ष्य कम से कम 1100 का है, अधिक आ जाए तो ये मेरा परम सौभाग्य होगा। परम सौभाग्य इसलिए कहता हूँ क्योंकि आज के ज़माने में अगर उन्होंने हमारे लिए इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। तो ये विचार आपका जो करने का है ब्राह्मणों का सम्मान का, उनके चरण बंदन करने का, उनकी आरती करने का, तो ये विचार पहले से था या कुछ सोच कर इसको शुरुआत किया आपने? जी, ये विचार तो काफ़ी दिन से मन में था परंतु सही अवसर नहीं मिल पा रहा था। यहाँ पे पिछले 7 दिनों से भागवत चल रही है और भागवत के प्रथम दिन मैं यहाँ आया तो हमारे गुरुदेव का भी, राजा शुक्ला जी का भी ये था कि यहाँ पे एक बढ़िया ब्राह्मण सम्मान समारोह चरण पूजन का कार्यक्रम यहाँ किया जाए। फिर मैंने अपने घर के जो पंडित जी हैं उनसे सलाह ली, उन्होंने कहा बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, आपने कम से कम आपके मन में ऐसा विचार आया यही बहुत खुशी की बात है। तो वो उसी दिन ये निश्चित किया गया, ये बहुत
मतलब लक्ष्य नहीं था, बहुत पुराना कुएं। जैसे मैं देख रहा हूँ तैयारी आप कर रहे हैं, तो तैयारी अंतिम चरण में है। कब कार्यक्रम, कितने बजे से है आपका? कल ये कार्यक्रम 4 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। सबसे पहले हमारे आने वाले अतिथियों का मैं सपत्नीक यहीं से उनकी चरण रज पखारूंगा। पैर पखारने के बाद वो हाल में प्रवेश करेंगे और हाल में उन पर पूरे समूह पे एक साथ पुष्प वर्षा होगी और वैदिक रीत के अनुसार ब्राह्मण आरती यहाँ गाई जाएगी वैदिक ब्राह्मणों द्वारा, और उसके बाद आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा। प्रसाद वितरण के बाद दक्षिणा के साथ विदाई होगी। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, सा सम्मान आप ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले हैं। आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े, कुछ और कहना चाहते हैं क्षेत्र के लोगों से या नए विप्र से जो हमारे आपके कार्यक्रम में? बस मैं इतने कहना चाहता हूँ अपने इस श्रेष्ठ विप्र समाज से, मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, कल के कार्यक्रम में अवश्य पधारें, अपने साथ और भी 10-20 विप्र को लेके आवें, श्रेष्ठ को लेकर आवें, इस वैश्य पुत्र को ये अवसर प्रदान करें। मैं एक बार इस ये वैश्य पुत्र अपने जीवन को धन्य बना सके, यही मेरी परिकल्पना है, यही मेरी सोच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि राजा शुक्ला जी हमेशा आपके कार्यों में शामिल रहते हैं, अब मेरे साथ में हैं, तो इनसे भी बात करूंगा। आपके मित्र का ये जो कार्यक्रम है, इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? इन्होंने बताया ही, इनके पूर्वजों का आशीर्वाद, और जैसा कि जनपद का सबसे पुराना दुर्गा पूजा इनके बाबा शेख पारसनाथ कौशल द्वारा किया गया था, इसको भली बात पूरे जनपद जानता है, तो इसमें कोई से भी चर्चा हो रही थी, कोई राजनीतिक का इसमें से कोई मतलब ही नहीं है। और एक अचानक मेरे मन में ख्याल आया, हमने इनसे चर्चा की, उन्होंने कहा नहीं आपने जो बताया सही बताया, अगर इसको कर दिया जाए तो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो जाएगा, बस कोई खास नहीं, एक पहल होगी, एक पहल देने के लिए। और लोगों का साथ एक चीज और कहना चाहूँगा कि जिससे ब्राह्मण का जो मैं देखा हूँ, इसको अदरवाइज कोई ना ले, मैं जातिगत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो क्षत्रिय समाज होता है वो ज़्यादा सम्मान करता है या वैश्य समाज करता है, उसके अलावा उतना जितना सम्मान करना चाहिए ब्राह्मणों का, उतना सभी लोग सम्मान नहीं करते हैं। जैसा कि कहीं ना कहीं पहल है आपने की है, जी जी, हो सकता है आर सुनर कई सारे लोग करें, क्योंकि समाज के सेठ लोग ब्राह्मण होते हैं, उनका सम्मान हमेशा सर्वोपरि होता है, लेकिन सम्मान के साथ साथ उनको किसी दिन स्थान दिया जाए और उनका सम्मान साधनी किया जाए, एक नई पहल। जी जी बिल्कुल, ऐसा ही जी। जैसा कि हमने बात की, और अब आपको मैं मंडपम दिखा देता हूं जहां ये कार्यक्रम होने वाला है, आप मेरे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये लालगांव अछारा का रामपुर रोड पे, रामपुर हाईवे के किनारे गिल एजेंसी है, उसी के बगल में ये सैलजा मंडपम है जहां पर कल ये कार्यक्रम होने वाला है। तो इनकी तरफ से एक निवेदन है, और मेरे चैनल के माध्यम से अगर आप तक ये बातें पहुँच रही हैं, तो जितने विप्रजन हैं, जितने से ब्राह्मण हैं, वो यहाँ अगर आते हैं तो उनका सम्मान स्वागत किया जाएगा, उनका चरण वंदन होगा और ब्राह्मण आरती में उनको शामिल किया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से अगर जुड़े हुए हैं, तो इन चीज़ों का निवेदन इनका शुभारंभ कर सकते हैं, आप आ सकते हैं। और कल का जो यहाँ का कार्यक्रम होगा, कितना भव्य होगा, कितना विशाल होगा, क्या नया होगा, उसमें किस तरीके से होगा, ये सब हम अपने चैनल से आप देखने वाले हैं। तो हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें, लगातार ऐसी खबरों के साथ में आपको अपडेट करता रहूँगा। कैमरामैन अंकित के साथ में हरकेश चौरसिया, लाइव टीवी एक्सप्रेस, उत्तर प्रदेश। खास खबरें, हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें लाइव टीवी एक्सप्रेस।